करने वाले ऑफिसर्स में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां सवाल 41 मजदूरों की जिंदगी का है और इसीलिए ये जंग लगातार जारी है। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और पवित्र स्नान का भी दिन माना जाता है, लेकिन यहां पर जबकि ये गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर आगे इस टनल को आगे बढ़ाया जा रहा था, यहां टनल के बाहर एक अस्थायी मंदिर बनाया गया है बाबा बोकनाथ का और वहां पर पूजा अर्चना के बाद वीके सिंह अंदर टनल में दाखिल हुए हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस टनल में जिस तरह से ड्रिलिंग की जा रही थी ऑगर मशीन के जरिए, ऑगर मशीन के ब्लेड्स उसमें टूट गई थी तकरीबन 14 मीटर तक की, उसे तोड़ करके काट करके बाहर निकाल लिया गया है लेजर मशीन के जरिए। लेकिन खास बात यह है कि बस कुछ ही देर में अब यहां पर रेड माइनिंग शुरू होने वाली है, यानी कि मिशन मूषक, जिस पर अब दुनिया भर की निगाहें चूहे की तरह खुदाई करते हुए आगे बढ़ना बेहद संकरे रास्ते से, और अब उसमें माहिर मजदूर यहां मुहाने पर तैनात हो गए हैं, अपने हाथों में हथियार लेकर के वो पहुंच चुके हैं। और अब बताया जा रहा है कि जो पाइपलाइन अंदर डल रही है उसी छोटे से रास्ते से आगे बढ़ करके वो खुदाई करेंगे, ताकि अपने फंसे हुए साथी मजदूरों तक बहुत सुरक्षित तरीके से वो पहुंच सके और सुरक्षित तरीके से उन्हें भी बाहर निकाल सके। उन्होंने बताया कि किस तरह की उनकी तैयारी है, कैसे बेहद सकरे रास्ते में वो आगे अब खुदाई करने वाले हैं और कितना वक्त उन्हें लगेगा अपने साथी मजदूरों तक पहुंचने के लिए। कुछ देर पहले ही हमने उनसे बातचीत की, विस्तार से उन्होंने बताया क्या है उनकी तैयारी और कैसे टनल में अब भीतर दाखिल होने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। और ये तस्वीरें बेहद खास है, क्योंकि ये तस्वीर बताती है कि अब यहाँ वो तमाम तैयारियां कर ली गई है, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरह से खुदाई का काम, बोरिंग का काम लगातार जारी है। लेकिन एक तस्वीर जो चिंता बढ़ाने वाली थी, और वो तस्वीर है इसी टनल के ठीक ऊपर दिखाई दे रहे पानी के इस रिसाव की, और ये तस्वीर कई तमाम ऐसे स्पेशलिस्ट के पेशानी पर बल लाने के लिए काफी थे, क्योंकि जहां नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, माइनिंग चल रही है, खुदाई चल रही है, 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश चल रही है, वहीं आशंका ये जाहिर की गई कि क्या पहाड़ में पानी का रिसाव होने लगा है और क्या ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ा खलल पैदा कर सकता है। और इसीलिए भी जब इसकी पड़ताल की गई तो हमने देखा कि दरअसल एक पाइपलाइन से वहां रिसाव हो रहा था और उसका पानी निकल करके टनल पर आने लगा है। लेकिन अभी वीके सिंह टनल के भीतर दाखिल हुए हैं, उन्होंने तमाम विस्तार से इसकी जानकारी भी ली है। प्रियंका हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, अब जबकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरफ से आगे बढ़ने की पूरी मुकम्मल तैयारी, जो अब रेड माइनर्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, किस तरह की उम्मीद उन्हें लेकर के है और कौन सा रास्ता है जो पहले तय कर लिया जाएगा, फिलहाल इस तरह की उम्मीद की जा रही हो? देखिए, साफ तौर पर रेट माइनर से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि वो इस मिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और इस तरीके का मिशन जहां पर सक्रिय जगह में जाकर उनको काम करना होता है उन्होंने वो पहले भी किया है, इस वजह से वो आश्वस्त हैं कि वो, अब उन्होंने ये बात भी कही कि वो भी मजदूर हैं, उधर भी जो फंसे हैं वो मजदूर हैं और ऐसे में उनको जरूर बाहर निकाल के आएंगे। मैं तस्वीरें भी साथ साथ दिखाती रहूं अगर आपको, तो ये मुख्य मुहाना जहां से रेट माइनर्स ने जाकर आज से मैनुअल ड्रिलिंग, जिसको रेट माइनिंग यानी कि चूहा बोरिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें चूहे की ही काम किया जाता है, कुतर कुतर के थोड़ी थोड़ी जगहों को उसमें से मलबा निकाल। ये प्रियंका, ये तस्वीर बेहद खास है, ये तस्वीर बेहद खास है, क्योंकि केंद्र सरकार की और उत्तराखंड सरकार की पैनी नजर जनरल वीके सिंह लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजदीक बनाए हुए हैं। लेकिन इसी टनल के बाहर जो मंदिर बना हुआ है, जो तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जनरल वीके सिंह मंदिर के बाहर पूजा करते हुए और ये कामना करते हुए कि प्रभु वो सामर्थ, वो शक्ति इन तमाम ऑफिसर्स को, इन मजदूरों को दे जो अपने साथियों की जिंदगी की रक्षा के लिए इस मिशन को, इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाए हुए हैं। जनरल वीके सिंह लगातार यहां पर पहुंचते रहे हैं, वक्त वक्त पर तमाम स्पेशलिस्ट जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे उन्होंने जानकारी ली है पूजा अर्चना के बाद। और खास बात यह है कि कल यहां पर आर्मी के ही मद्रास शेपर्ड्स के कुछ स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स की तैनाती हुई है और आर्मी के इक्विपमेंट पहली बार कल तैनात किए गए हैं। आर्मी के उन लोगों से भी जनरल वीके सिंह ने मुलाकात की है। अभी हमने ये तस्वीरें देखी, पूजा अर्चना के बाद में टनल के भीतर वो खुद दाखिल हुए हैं इस ऑपरेशन को नजदीक से जांचने पर रखने के लिए। जब भारतीय सेना की कमान उनके हाथों में थी तब ये तमाम वो ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इनके निर्देश पर काम करते रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन आज जब एक विपदा की घड़ी है, एक बड़ी आपदा आई है, 41 मजदूर साथी इस टनल में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फंसे हुए हैं, तब ये तस्वीर बेहद खास। और ये सीधी तस्वीर आप देखिए, ये सीधी तस्वीर टनल से बाहर निकलते जनरल वीके सिंह टनल से बाहर निकले हैं और
उन तमाम ऑफिसर्स के साथ में पूरा मुआयना उन्होंने किया कि किस तरह से ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, आर्मी के वो सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और मद्रास सेपर्स के वो लोग भी। जनरल वीके सिंह टनल्स के भीतर से मुआयना करके, इसका निरीक्षण करके बाहर आए हैं और अब ये पूरी तरह से आश्वस्त भी दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर बातचीत करते हुए उन लोगों से जिनके हाथ में इस पूरे ऑपरेशन की और मिशन की जिम्मेदारी है, और उनसे ये बातचीत करते हुए निश्चित रूप से हम महसूस कर सकते हैं कि आखिर अब और कितना वक्त लगेगा, क्या और कोई हर्डल की आशंका तो नहीं है। और ये तमाम जानकारी लेते जनरल वीके सिंह टनल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम आर्मी के ऑफिसर्स की भी मौजूदगी है, उन्हें सैल्यूट करते वो ऑफिसर्स भी यहाँ दिखाई दे सकते हैं। जनरल वीके सिंह जो अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे थे, एक बार फिर जो लगातार यहाँ पर पहुंचते रहे हैं, इस पूरे ऑपरेशन की कमान एक तरह से उन्होंने अपने हाथों में रखी और ये महसूस किया कि अब उनकी मौजूदगी वहां जितने और सेना के ऑफिसर्स इस वक्त मौजूद हैं उनसे बातचीत करके जानने की भी कोशिश। लेकिन आर्मी के अब जिस तरह के मद्रास सेपर्ट्स ने यहाँ एक खास मिशन की कमान अपने हाथ में ली है और जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उनके हाथों से रेड माइनिंग के जरिए अब सुरक्षित तरीके से इसी टनल के भीतर दाखिल होने की उनकी कोशिश है। जनरल वीके सिंह जब यहाँ पर पहुंचे हैं, आज तमाम ऐसे और जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, जिनका अपना योगदान है, क्योंकि अगर हम इसी टनल के ऊपर की पहाड़ी का रास्ता देखें जहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, तो बीआरओ ने महज 48 घंटे के भीतर एक रास्ता बना करके दिया है एक ऐसी कंपनी को जो इस वर्टिकल माइनिंग में बहुत महारत हासिल रखती। सतलुज विद्युत निगम की ओर से ये वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है इस पहाड़ी पर, और सतलुज विद्युत निगम की उस कंपनी की टीम ने जो अपना काम शुरू करना था उससे पहले एक बड़ी मशक्कत ये थी कि आखिर वहां ऊपर चोटी तक पहुंचा कैसे जाए। इतनी भारी भरकम मशीनों को लेकर चोटी पर पहुंचना एक बड़ी मुश्किल थी, एक बड़ी परीक्षा की घड़ी में। बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे आपके जरिए ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन इस वक्त कुछ और एंगल से समझाते हैं आपको ये पूरी खबर। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए चार तरफ से कोशिश की जा रही है। पहले यह मोर्चा 5 था, लेकिन इस वक्त की बात करूं तो चार ही मोर्चे पे काम हो रहा है। मुख्य सुरंग के ऊपर से ड्रिल किया जा रहा है, तो वहीं टनल के दोनों तरफ से भी दो समानांतर सुरंगें तैयार की जा रही है जिससे सफलता हाथ लगे। जो मजदूरों के लिए स्केप रूट होगा और जो साइड में मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग बन रही है वो कैसी होगी उसे इस वक्त हम समझाते हैं। मेन टनल की तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे और जिसके बगल में ऐसी एक समानांतर सुरंग बनाई जा रही है, ये तस्वीर आप देखिए, ये है मेन टनल। मेन टनल यहाँ पे है और यहीं से जो आज मैनुअली काम होना है वो यहाँ से होना है। लेकिन अब लंबाई सबकी क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। 63 मीटर लंबी ये रूट है, इसके अलावा 6.12 मीटर ऊंची ये रूट है, 114 mm की पाइप की छत है उसे कैसे करना है, 5 मीटर चौड़ी ये पूरा हम इलाका आपको बता रहे हैं कि मजदूरों के निकालने के लिए जो ये सुरंग बनी है उसका अभी कितना काम पूरा हुआ है और वो किस तरीके से वर्क करने वाला है। 400 mm की कंक्रीट का फर्श भी तैयार हो चुका है। क्या क्या विकल्प हो सकते हैं ये एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मजदूरों को निकालना पहली प्राथमिकता है। ये अलग बात है कि 16 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 16 दिन गुजरने के बाद भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जनरल वीके सिंह यहाँ पर तमाम ऑफिसर से मुलाकात करते हुए, जायजा लेते हुए, बातचीत करते हुए, जो खुद आज सुबह सुबह पहुंचे बाबा बौकनाग का जो मंदिर बना हुआ है वहां उन्होंने पूजा अर्चना की है और उसके बाद टनल में वो खुद दाखिल हुए। प्रियंका, जिस तरह से आज यहां पर खुद जनरल वीके सिंह पहुंचे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही है, जनरल वीके सिंह यहां पर खुद ऑफिसर से बात करते हुए और ये जानकारी लेते हुए कि आखिर ऑपरेशन किस तरह से कामयाबी से आगे बढ़ रहा है, कुछ खास तस्वीरें भी आज सामने आई है, क्या कुछ आपकी कैमरे की नजर से और आप देख पाई जिस लोकेशन पर आप मौजूद हैं? देखिए प्रशांत, जनरल वीके सिंह यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह यहाँ हर रोज आते हैं, हर रोज उठते हैं और ये अभी उनका जो गाड़ियों का काफिला है देखिए वो बाहर की तरफ बढ़ने लगा है। जनरल सिंह को यहाँ पर आए हुए अब तकरीबन 3-4 दिनों से ज्यादा का समय हो गया है। ये उनका रोज का रूटीन है, जब वो यहाँ पर आते हैं टनल के अंदर जाते हैं, पहले लोगों से वहां पर बातचीत करते हैं, वहां समझते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। इसके साथ साथ जो हम लगातार बता रहे हैं कि पीएमओ जो है वो पूरी तरीके से नजर रखे हुए है, पीएम हर पल की जानकारी ले रहे हैं और उसी में आज उसी कड़ी में आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जो पीएमओ के हैं वो भी यहाँ पर स्पॉट पर पहुंचेंगे, उसके लिए भी पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। उससे पहले